इस तरह से थेपला और चटनी बनाएंगे टमाटर का, तो रोज नाश्ते में आप यही खाना पसंद करेंगे। और आप बनाएं जरूर जैसे मैंने बताया है उसी तरह से, और इंजॉय करें। आज हम बनाएंगे थेपले का आटा। तो इसके लिए हम ले लेंगे मेथी, एक घुंडी मेथी है, उसे अच्छे से साफ करके और बारीक काट लेना है आपको। और इसके अंदर हम डालेंगे 1 कप गेहूं का आटा और 1/4 कप बेसन। इसके अंदर हम मसाले डालेंगे, अभी थोड़ी सी अजवाइन को हम क्रश करके डालेंगे, तिल 1 चम्मच, लहसुन क्रश किया हुआ 1 चम्मच, अदरक, अदरक के साथ आप मिर्ची भी डाल सकते हैं हरी। और इसके साथ ही हम डालेंगे 1 चम्मच शक्कर, इससे थोड़ा मीठा और तीखा हो जाएगा। एक नींबू का जूस, थोड़ा खट्टा खट्टा अच्छा लगता है। नींबू नहीं है तो आप आमचूर पाउडर डाल दें। अब हम डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार, थोड़ा तेल डालना है हमको 2-3 चम्मच के करीब, और इसमें हम अब सारी चीजों को मिक्स करेंगे। इसका आटा बना लेना है हमको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, क्योंकि हमारा मेथी भी थोड़ा गीला ही रहता है। इसको मिक्स करते हुए थोड़ा हम डालेंगे हल्दी का पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर, और इसका आटा बना लेंगे हम। देखिए पानी मैंने एकदम हल्का सा डाला था, अभी थोड़ा पानी और डाल के इसको बना लेंगे। पहले ऐसे ही मिक्स करेंगे कि पानी नहीं डालना पड़े। देखिए हमने आटा गूंद लिया, अब थोड़ा सा तेल डाल के हल्का सा इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे, फिर बनाएंगे थेपला। चलिए हम बनाते हैं टमाटर की चटनी। तो 1 टमाटर को हमने यहाँ पे एकदम लाल बड़ा साइज का लेके काट लिया है, और इसके अंदर हम डालेंगे 2 कली लहसुन और धनिया, और इसमें हम डालेंगे नमक। अच्छा, इसमें पानी डालने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे से पीसेगा और बहुत टेस्टी चटनी बनने वाली है। तो हम ढक्कन लगा के चटनी पीस के रेडी हो गई। देखिए पानी नहीं डाला मैंने, और इतनी बढ़िया सी चटनी। और इसको ऐसे ही पीसना है आपको, एकदम बारीक नहीं करना है, ऐसे थोड़ा सा दरदरा रहता है ना तो बहुत टेस्टी लगता है। दाल चावल पराठा किसी के भी साथ खाइए आप, बहुत टेस्टी बनने वाला है थेपला। चलिए हमारा आटा रेडी हो गया, हम थेपला बना लेते हैं। सूखा आटा लगा के इसे हम सूखा आटा लगा के बेल लेंगे पतला। ऐसे सारे पराठे को बेल लेना है। एक पराठा डाल के सेक लेंगे हम। दोनों तरफ से पराठा को पलट पलट के सेक लेंगे हम। ऐसे सारे पराठे कुरकुरे से सेक के तैयार कर लेंगे। ये देखिए ऐसे हम पराठे बना के रख लेंगे थेपला बना के, और इसको चटनी और सॉस के साथ सर्व करेंगे, या फिर सफर में ले जाना है तो ले जा सकते हैं, 2 दिन तक खराब नहीं होता है। इसको अच्छे से ठंडा करके पैक करें, और घर पे खाना है तो गर्मा गर्म चटनी और सॉस के साथ खाइए। टमाटर की चटनी बनाते हैं हम इसके साथ खाने के लिए।